आप सोसाइटी के प्रेशर से कुछ अलग बनने का प्रिटेंड तो कर सकते हो, पर आप जो हो वो छुपा नहीं सकते। हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी मूवी बिलो हर माउथ ये इसी थीम पर बेस्ड है। इस मूवी में हमारी मेन कैरेक्टर उसकी सेक्सुअलिटी को फिर से डिस्कवर करती है। इस मूवी की केमिस्ट्री बहुत ही अच्छी है, तो डायरेक्टली एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हम देख सकते हैं कि हमारी मेन कैरेक्टर जिसका नाम है डैलस, एक लड़की के साथ इंटीमेट हो रही थी। इंटीमेट हो जाने के बाद डैलस की गर्लफ्रेंड ने उसे आई लव यू कहा। डैलस इस टाइम पर कोई भी कमिटमेंट चाहती नहीं थी। उसने सोचा तो था कि अपनी गर्लफ्रेंड के साथ उसे सीरियस होना चाहिए, पर उसने अपना माइंड चेंज कर लिया। यही पर वो उससे ब्रेकअप कर वहां से चली जाती है। डैलस एक्चुअल में एक रूफर है, यानी कि लोगों के रूफ वगैरह रिपेयर करने का काम वो करती है। एक दिन ऐसे वो काम कर रही थी और उसने जैस्मिन को नोटिस किया। जैस्मिन हमारी और एक मेन कैरेक्टर है। डैलस के साथ जो आदमी थे वो ऊपर से ही जैस्मिन को छेड़ रहे थे। जैस्मिन ने इन्हें नोटिस किया और वो घर में चली गई। रात में जब जैस्मिन अपने बॉयफ्रेंड के साथ थी तो उसका बॉयफ्रेंड थक कर सो गया था। वो नेल पॉलिश लगा रही थी और उसे बोर हो रहा था। वो ये नेल पॉलिश अपने बॉयफ्रेंड को लगाने लगती है। उसके ऊपर चढ़कर वो उसे जगा देती है। वो इंटीमेट होना चाहती थी पर उसके बॉयफ्रेंड को किसी काम से बाहर जाना था। वो अपने नेल्स पर जब नेल पॉलिश नोटिस करता है तो बहुत ही गुस्सा हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि आज ही डैलस का ब्रेकअप हुआ है, तो बहुत ही अपसेट थी। उसके एक फ्रेंड उसके घर पर आई और ये दोनों मिलकर आज क्लब जाने वाले हैं। यही पैरेलल में हम देखते हैं कि जैस्मिन का बॉयफ्रेंड इसी काम के लिए 2-3 दिनों के लिए बाहर जा रहा है। ये दोनों एक बहुत ही सीरियस रिलेशनशिप में है, अब शादी भी करने वाले हैं। जैस्मिन आज अकेली थी तो उसके एक फ्रेंड उसे कंपनी देने के लिए आ गए। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि डैलस और उसके फ्रेंड ये दोनों एक पार्टी में आ गए। यहाँ की जो बारटेंडर थी डैलस के फ्रेंड को बहुत ही पसंद थी। वो कहती है कि आज रात मैं इसे घर पर लेकर जाऊंगी। डैलस ने कहा कि वो मुझे लाइक करती है, तुम्हारे साथ घर नहीं जाएगी। इसके पैरेलल में ही अब जैस्मिन और उसके फ्रेंड ये दोनों सिटी से घूम रहे थे। घूमते घूमते उन्होंने एक लेडीज पार्टी देखी। जैस्मिन इसमें जाने के लिए कतरा रही थी क्योंकि एक लेस्बियन पार्टी थी, पर उसकी फ्रेंड उसे ले जाती है। पार्टी में जब जैस्मिन वॉशरूम में गई तो उसे डैलस मिली। उससे कहती है कि तुम मुझे जानी पहचानी लगती हो। बाद में उसने रियलाइज किया कि डैलस रूफटॉप पर काम कर रही थी। डैलस उसे पूछती है क्या तुम हमेशा इस पार्टियों में आया करते हो, यानी कि वो पूछ रही थी क्या वो लेस्बियन है। जैस्मिन स्ट्रेट है तो इसके लिए उसने मना कर दिया। डैलस कहती है ये तो बहुत ही बुरा हुआ। इस पार्टी में जैस्मिन को सही नहीं लग रहा था तो जरा एयर के लिए वो बाहर आ गई। उसके पीछे पीछे डैलस भी आती है। डैलस ने अब जैस्मिन के हाथ में रिंग नोटिस की। ये देखकर अपनी सिंपथी वो जताती है। जैस्मिन कहती है कि इतना बुरा भी नहीं है, वो बहुत दिनों से रिलेशनशिप में थी और वो शादी करेगी। जैसे कि हमें पता है कि डैलस रिलेशनशिप जरा सीरियस होने से डरती है, तो उसे पूछती है कि तुम्हारी रिलेशनशिप का एक्सपीरियंस कैसा है। जैस्मिन कहती कि ठीक ही है, मेरे बॉयफ्रेंड को हमेशा इंटरेस्टेड रखती हूँ। डैलस ने कन्फेस किया किसी के साथ भी इंटीमेसी दिखाओ इतनी इमोशनल नहीं हूँ। उसके पास आ गई और कहती है कि शायद तुम्हारे साथ कुछ अलग होगा। उसे वो किस कर लेती है। जैस्मिन भी उसे किस करने लग गए। उसने रियलाइज किया ये सब गलत है। वो गुस्से गुस्से में इस पार्टी से बाहर आ जाती है। उसके फ्रेंड भी उसके पीछे आए, उसे पूछती है कि हुआ क्या। जैस्मिन ने उसे सब कुछ बता दिया। उसे बुरा लग रहा है किसी और को उसने किस किया। उसे बहुत ही अजीब महसूस हुआ था। उसके फ्रेंड उसे कहती है कि ज्यादा वरी मत करो, तुम हमेशा अपने बॉयफ्रेंड के साथ फेथफुल रही हो। उसे बहुत ही गिल्टी लग रहा था। रात में उसने अपने बॉयफ्रेंड को कॉल किया, कहती है कि मुझे गार्डन में शादी करनी है। नेक्स्ट सीन से हमें पता चलता है कि रात में डैलस बारटेंडर के साथ घर पर आई थी। हमेशा की तरह फिर से डैलस रूफ पर काम कर रही थी। जैस्मिन बाहर आकर उसे देख रही थी, फिर वो शावर में गई। डैलस को इमेजिन कर वो अपने आप को प्लीज करती है। अगले सीन में जैस्मिन अपने काम पर जा रही थी। डैलस उससे पूछती है तुम काम क्या करते हो। उसने कहा कि मैं एक फैशन मैगजीन में काम करती हूँ। डैलस ने पूछा क्या तुम्हारी खुद की कंपनी है, कहती कि नहीं। डैलस कहती है मैं जो काम करती हूँ ये मेरी खुद की कंपनी है। वो उसे अपना डोमिनेंस दिखा रही थी। फिर वो उसके पास आकर कहती है यहाँ काम करने का आज मेरा लास्ट डे है, अगर तुम चाहो तो हम दोनों हैंग आउट कर सकते हैं, इवनिंग तक मैं यही हूँ। जैस्मिन सिर्फ ओके कहकर यहाँ से चली गई। आज जैस्मिन ने अपना काम जल्दी से खत्म कर दिया। वो घर आकर डैलस से कहती है कि मैं तुम्हारे साथ सिर्फ एक ड्रिंक के लिए चलूंगी। डैलस फिर 1 घंटे के बाद उसे पिकअप करने के लिए आती है। जैस्मिन ने एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा ड्रेस पहना था। ये दोनों बार में आए तो डैलस जैस्मिन को देखकर स्टेयर कर रही थी। उसे उसके जॉब के बारे में पूछती है। जैस्मिन कहती है मुझे न्यूयॉर्क में काम करने की अपॉर्चुनिटी मिली थी, मेरे बॉयफ्रेंड का यहाँ जॉब है तो छोड़कर हम नहीं जा सकते थे। डैलस कहती है कि तुम्हें जाना चाहिए था, मैं अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड होती तो 100% तुम्हें जाने के लिए कहती, मैं भी तुम्हारे साथ आती।
ये बात करते वक्त डैलस उसे टच कर रही थी। जास्मिन डर गई, उसने बिल मांगा, पर डैलस उसे कहती है आज रात मेरे घर चलो। उसे किस कर लेती है। ये दोनों फिर स्ट्रीट में आकर मेकआउट करने लग गए। डैलस जास्मिन को अपने घर लेकर गई। ये दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। सुबह होने पर जास्मिन को डैलस का चाइल्डहुड फोटो मिला, जिसमें डैलस ने बॉय के कपड़े पहने हुए थे। इस पर डैलस कहती है पर मेरी मदर मुझे कहा करती थी कि अगर मैं बॉयज की तरह ड्रेसअप करूंगी तो मैं हर्ट हो जाऊंगी। वो चाहती थी कि उसकी मदर उसे एक्सेप्ट करे, पर कभी उसने किया नहीं। ये दोनों डिसाइड करते हैं कि आज का दिन एक दूसरे के साथ स्पेंड करेंगे। डैलस जास्मिन से कहती है कि मैं जनरली मेरे पास्ट के बारे में बात नहीं करती, पर तुमसे मुझे कुछ भी छुपाना नहीं है। उसने कहा कि मेरे फादर एक रूफर थे। मेरी मदर नहीं चाहती थी कि मैं भी उनकी तरह काम करूं, पर मुझे बचपन से बहुत अच्छा लगता था। उसकी मदर ने उसे यूनिवर्सिटी में भी भेजा था, पर वो मानी नहीं। अपनी खुद की कंपनी खोलकर वो यही काम करती है। जास्मिन फिर अपने टीनेज के बारे में बताती है, कहती है कि मेरी एक फ्रेंड थी। एक समर में हम दोनों एक दूसरे के बहुत ही पास आ गए थे। एक दिन घर पर मैं उसके साथ मेकआउट कर रही थी, तभी अचानक से मेरी मदर आ गई। उसने मुझे बहुत मारा था, मुझे लड़कों के साथ डेट करने के लिए फोर्स किया। जास्मिन हमेशा से एक लेस्बियन थी, पर अपनी मदर की वजह से उसने अपनी सेक्सुअलिटी को सरप्रेस करके रखा था। वो अब डैलस को देखती है तो उसे अपनी फ्रेंड की याद आती है। डैलस ने कहा कि एक 30 ईयर्स की लेडी थी, उसके साथ वो फर्स्ट टाइम इंटीमेट हुई थी। इन दोनों ने बहुत सारी बातें की, अपने पास्ट के बारे में सब कुछ शेयर किया। आज रात भी एक साथ ही बिताते हैं। सुबह होने के बाद भी इंटीमेट हो गए। अब जास्मिन को घर जाना पड़ेगा क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड आ रहा है। डैलस कहती है मुझे गुड बाय पसंद नहीं है। वो उसे घर छोड़ने के लिए आए, पर जाने देने के लिए रेडी नहीं थी। वो उसे रिझाती है और इंटीमेट होने के लिए घर में आ जाते हैं। पैरेलल में हम देखते हैं जास्मिन का बॉयफ्रेंड आज जल्दी घर पहुंचने वाला है। जास्मिन और डैलस एक दूसरे में डूब चुके थे, तभी जास्मिन के बॉयफ्रेंड ने इन दोनों को देख लिया। वो जा रहा था तो जास्मिन उसे मनाने के लिए उसके पीछे पीछे गई। जास्मिन का बॉयफ्रेंड कहता है कि मैं वही खड़ा था और तुम दोनों ने मुझे नोटिस भी नहीं किया, तुम उसमें खो चुकी थी। जास्मिन कहती कि प्लीज मुझे माफ कर दो, हमारी रिलेशनशिप जैसे पहली थी, उसे रिपेयर करने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। उसका बॉयफ्रेंड कहता है कि अभी के अभी जाओ और डैलस से ब्रेकअप करके आओ। वो फिर डैलस के पास आकर उसे कहती है कि मैं ब्रेकअप करना नहीं चाहती, पर उसे करना पड़ेगा, वो इस एंगेजमेंट को तोड़ नहीं सकती। ये दोनों बहुत ही हर्ट थे, पर इन्होंने ब्रेकअप कर लिया। रात में जास्मिन का बॉयफ्रेंड उसे कहता है जिस तरीके से तुम डैलस के साथ इंटीमेट हो रही थी, उस तरीके से तुम कभी भी मेरे साथ नहीं हुए। इस ब्रेकअप की वजह से डैलस भी बहुत ही डिस्टर्ब थी। वो एक बार में आई और बहुत ही ज्यादा ड्रंक हो गए। ड्रंक होकर ही अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के पास पहुंच गए, उसके साथ वो इंटीमेट हो जाती है। सुबह होने पर डैलस ने जो भी किया उसे बुरा लगता है। वो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से कहती है तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, पर उतना ही प्यार मैं तुमसे नहीं करती। मैं तुम्हारे लिए टॉक्सिक हूँ, तो मेरे साथ खुश नहीं रह पाओगी, उसे सॉरी कहती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जास्मिन अपने बॉयफ्रेंड के साथ थी, वो उसके साथ इंटीमेट हो रहा था, पर जास्मिन ने कर नहीं पाई। वो इंटीमेट होते होते रोने लगती है, उसने रियलाइज किया कि वो डैलस को ही पसंद करती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि डैलस और जास्मिन एक पार्क में मिले हैं। जास्मिन उसे कहती है कि मैंने मेरे फ्रेंड्स को सबको तुम्हारे बारे में बता दिया, यानी कि अब उसने अपने आप को इम्ब्रेस किया है। डैलस भी सुनकर खुश थी और ये दोनों अब एक साथ है, आगे अपनी रिलेशनशिप को कंटिन्यू करेंगे। जास्मिन को अपनी मदर की वजह से अपनी सेक्सुअलिटी को रिप्रेस कर रखना पड़ा था। वो डैलस से मिली, डैलस भी बहुत ही इमोशनली स्कार्ड थी। वो जास्मिन को बहुत ही लाइक करती थी, तो उसके साथ उसने कुछ भी सीक्रेट्स नहीं रखे। जो भी हुआ उसके बाद एक दूसरे के साथ रहने का रास्ता इन्होंने ढूंढ लिया है। इसी के साथ आज का वीडियो हम खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मैं बहुत सारी मूवीज लेकर आते रहता हूँ, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन आइकॉन दबाना मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।